श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे रावण के जन्म की कहानी। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए और उनसे समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षण करेंगे और कुछ ने कहा कि हम इनका यक्षण करेंगे, मतलब पूजा करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो रक्षण करेगा वह राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार वे दो जातियों में बंट गए। पौराणिक काल में राक्षसों में हेति और प्रहेति दो भाई थे। प्रहेति तपस्या करने चला गया, परंतु हेति ने भया से विवाह किया, जिसके फलस्वरूप उसके विदुत्तकेश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विदुत्तकेश के सुकेश नामक प्राकर्मी पुत्र हुआ। सुकेश के माल्यवान सुमाली और माली नामक तीन पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिए कि हम लोगों का प्रेम अटूट हो और हमें कोई पराजित न कर सके। वर पाकर वे निर्भय हो गए और सुरु असुरु को सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगर बनाने के लिए कहा। इस पर विश्वकर्मा ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया। वहां वे बड़े आनंद के साथ रहने लगे। माल्यवान के वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुप्तगण, यज्ञकोप, मत और उन्मत्त नामक सात पुत्र हुए। सुमाली के प्रहस्त्र, अकंपन, विकट, कालिकामुख, ध्रुमाच, दंड, सुपार्श, सह्याद्री, प्रगस एवं भारकर्णा नाम के 10 पुत्र हुए। माली के अनल, अनिल, हर और संपाति नामक 4 पुत्र हुए। ये सब बलवान और दुष्ट प्रकृति होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनिगण जब भगवान विष्णु के शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे ऋषियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य नाश करूंगा। जब राक्षसों को विष्णु के इस आश्वासन की सूचना मिली तो ये सब मंत्रणा करके संगठित होकर माली के सेनापतित्व में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। इधर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने के लिए निकल पड़े। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों को भी नारायण संहार करने लगे तो माल्यवान क्रुद्ध होकर युद्ध भूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों में अंत में वह भी काल का ग्रास बना। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज स्थापित हुआ। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री कैकेसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूं कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्ववा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। पिता की आज्ञा पाकर कैकसी विश्ववा के पास गई। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकसी का अभिप्राय जानकर विश्ववा ने कहा कि भद्रे, तुम इस कुबेला में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली होगी और क्रूर कर्मा होगी। मुनि की बात सुनकर कैकेसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, आपसे मैं ऐसा दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। कैकेसी के वचन सुनकर मुनि विश्ववा ने कहा, अच्छा तो तुम्हारा जो सबसे छोटा पुत्र जो होगा वो सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार कैकेसी के 10 मुख वाले पुत्र का नाम हुआ, जिसका नाम था दस्क्रीन, मतलब रावण। उसके पश्चात कुंभकर्ण, सूर्पनखा और विभीषण के जन्म हुए। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट भेजिए। धन्यवाद।